Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. The new video. So today's topic is ribosome and inclusion body. तो आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी रीड फॉर रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आफ्टर दैट एलोबरेट ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड. तो लेट्स बिगिन. तो इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट क्या होते हैं सबको पता है, हमको पता है, आपको भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ. प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नॉन ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है. प्रोकैरियोट में मोनोड आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, यानी इसको ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं. और हमारे क्या आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, पीपीलो आते हैं, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट आते हैं. प्रोकैरियोट में जो हैं किंगडम मोनाडा में रखे गए हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, है ना. जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, यानी जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होंगे. ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होंगे. दे आर अबाउट 15 nm बाय 20 nm इन साइज. इनका जो साइज होगा 15 nm से 20 nm हो सकता है. एंड आर मेड ऑफ टू सब यूनिट, है ना, और दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं. प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो 70 यस प्रकार के राइबोसोम होते हैं. यस मैंने बताया था सेंट्रोवर्क यूनिट होता है जो कि डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करता है. जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन पे हम डालेंगे तो उसकी इनडायरेक्टली डेंसिटी को वो मेजर करेगा. ठीक है, इनकी जो सब यूनिट होती हैं, दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S होती है और एक क्या होती है 30S सब यूनिट होती है. 50S सब यूनिट होती है वो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, 30S सब यूनिट होती है वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है. ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, 70S राइबोसोम बनाते हैं जो कि प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं. और 70S राइबोसोम यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं. कहाँ कहाँ पे, दो ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, एक तो माइटोकांड्रिया हो गया एनिमल में और क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट में. और जो यूकैरियोट में 80S राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा. तो देखते हैं इसमें इनका जो राइबोसोम का साइज होता है वो 15 nm टू 20 nm हो सकता है, यानी 15 by 20 nm इन साइज. एंड आर मेड ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50S एंड 30S यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर. जब ये दोनों यूनिट साथ में होती हैं, साथ में उनको बनाएंगे, साथ में प्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों 70S बनाएंगे, यानी 50S 30S 50S तो होता है 80S, बट ये जब दोनों साथ में होंगी तो क्या होगी 70S 80S नहीं होगा. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि 70S की दो सब यूनिट होगी 50S और 30S. ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है. ठीक है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है इसके पास. क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है वो राइबोसोम के पास होती है. ठीक है, राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा. ठीक है, सेबरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, है ना. जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. और ये जब बहुत सारे राइबोसोम सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं, मान लो एक mRNA ये हो गया, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, है ना, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, ये हो गया राइबोसोम ये हो गया mRNA, है ना. mRNA से, अब सिंगल mRNA में बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, पॉलीसोम. पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारा, ठीक है, पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम, या फिर वो पॉलीसोम बना लेते हैं जब सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं. ठीक है, द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट
एम आर एन ए इंटू प्रोटीन, है ना, ये पॉलीराइबोसोम फिर होता है। तो ये क्या, एम आर एन ए से क्या बना देगा, प्रोटीन बना दिया, एन ए से आर एन ए बनना, और आर एन ए से प्रोटीन बनना कौन कौन से स्टेप होते हैं ये मैं आपको बता दूं। डीएनए से आर एन ए बनेगा, है ना, या डीएनए से जब आर एन ए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेप आएगा वो ट्रांसक्रिप्शन वाला आएगा। और क्या आएगा, फिर जब एम आर एन ए से प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो यहाँ पे स्टेप आएगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन, क्या होगा वहाँ पे, ट्रांसलेशन होगा, है ना, ट्रांसलेशन होगा। और अगर हमारा डीएनए से डीएनए बनना है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। और अगर ट्रांसक्रिप्शन हमारा डीएनए से आरएनए हो रहा था, अगर हमारा आरएनए से डीएनए बनने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया ना, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, है ना, ये सेंट्रल डोगमा में आता है, ठीक है। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सेंट्रल डोगमा का पार्ट नहीं है, है ना, जो क्रिक साहब ने दिया था, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, क्रिक साहब ने दिया था। मैं आगे चल गया मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, अच्छे से आपको बताऊंगा सेंट्रल डोगमा जो था क्रिक साहब ने दिया था, ठीक है, बट उसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो सेंट्रल डोगमा का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, इंक्लूजन बॉडी, है ना, इंक्लूजन बॉडी क्या है ये देखते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट, जो इंक्लूजन बॉडी पाई जाएंगी वो कहाँ पे पाई जाएंगी, प्रोकैरियोट सेल में पाई जाएंगी, ठीक है। वो क्या करेंगी, मटेरियल को रिजर्व करेंगी, यानी मटेरियल को संग्रहित करेंगी, क्या करेंगी, संग्रहित यानी उसमें चीज को स्टोर करेंगी, क्या करेंगी, चीज़ों को स्टोर करेंगी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, यानी जो प्रोकैरियोट सेल में रिजर्व मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे होती हैं, प्रोकैरियोट में होती हैं, यानी इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में पाई जाएंगी, उनमें रिजर्व मटेरियल होगा वो स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, याद रखेंगे, यानी बॉडी के अंदर भी बॉडी पाई जा रही है, तो बॉडी विद इन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, याद रखेंगे। दीज आर नॉट बाउंड बाई, ये नहीं बंधी होती हैं, दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी इसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है, है ना, ये विदाउट कवरिंग की होती हैं, और ये फ्री कहाँ पे होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म में ये फ्री लाइज करती हैं, यानी ये साइटोप्लाज्म में फ्री रूप से पाई जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल क्या हो गए, फॉस्फेट ग्रेनुल्स हो गए हमारे ये इंक्लूजन बॉडी होते हैं, है ना, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स हो गए, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, है ना, ग्लाइकोजन के ग्रेनुल्स होंगे, ये भी हमारे इंक्लूजन बॉडी पे आएंगे। और ये गैस वैक्यूल हो गए, गैस वैक्यूल का काम क्या हुआ, ये बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, बॉयंसी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फॉस्फेट ग्रेनुल्स में क्या है, फॉस्फेट का स्टोरेज होगा, है ना, साइनोपाइसिन ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, तो यानी ग्लाइकोजन का स्टोर करेंगे ये लोग, ठीक है। गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना, जो गैस वैक्यूल होगा वो किसमें पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन यानी बीजीए में पाया जाएगा, बीजीओ का और का क्या नाम था, साइनोबैक्टीरिया, बीजीओ को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, उसका दूसरा नाम बीजीओ होता है, ब्लू ग्रीन हल्का जिसको बोलते हैं, और किसमें पाया जाएगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और हरे पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे पाए जाएंगे, ठीक है, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे ये इंक्लूजन बॉडी पाई जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू हैव एन अ हिट।